अस्सलाम वालेकुम, किचन विद जुमर में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। आज हम बनाने वाले हैं गुड़ की गचक। गुड़ की गचक बनाना बहुत ही आसान है, ये बहुत ही कम टाइम में बनती है, तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। गुड़ की गचक बनाने के लिए हमें चाहिए एक प्याली गुड़, एक चुटकी मीठा सोडा और थोड़ा सा पानी। चले आए बनाना शुरू करते हैं। मैंने कढ़ाई रख ली है चूल्हे पर, सबसे पहले इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी और इसे हिलाना शुरू करेंगे जब तक कि ये सारा गुड़ पिघल ना जाए। हल्की आंच रखेंगे हम चूल्हे की। ये देखें हमारा गुड़ पिघल रहा है, आपने चमचा चलाते रहना है और हल्की आंच पे पकाना है। जब ये गुड़ पिघल जाएगा तो मैं इसको एक दफ़ा छान लूँगी और छान के फिर बर्तन में डालूँगी, ताकि अगर इसमें कोई इम्प्योरिटी है तो वो निकल जाए। मैं आपको दोबारा दिखाती हूँ। ये देखें मैंने गुड़ को छान लिया, अब मैं इसे दोबारा पकाऊँगी हल्की आँच पर और बराबर चमचा चलाते हुए। ये देखें बबल्स बनना शुरू हो गए हैं, लेकिन अभी ये जमने के लिए तैयार नहीं है। मैं इसे थोड़ी देर और पकाऊंगी अभी, जब तक कि इसकी एक अच्छी खुशबू ना आने लगे। इसका कलर चेंज होने तक मैं इसे पकाती रहूंगी अभी। अब ये देखें पकाते हुए ये बहुत थिकनेस हो गई है। ये देखें अब मैं इसे चेक करूंगी कि ये अभी जमने के लिए तैयार है या नहीं। ऐसे पानी में इसका एक ड्रॉप डालेंगे ऐसे, और ये चेक करेंगे। ये देखें ये जमने के लिए बिल्कुल तैयार है। ये देखें ये बिल्कुल तैयार है जमने के लिए। ये देखें अब हम इसमें मीठा सोडा डालेंगे। मैंने प्लेट को ग्रीस करके रख लिया है, अब मैं इसमें निकालूंगी। मैंने इसे प्लेट में निकाल दिया, अब हम इसे ठंडा करेंगे और दोबारा मैं आपको दिखाऊंगी ठंडा होने के बाद। हम इसे रूम टेम्परेचर पे ठंडा करेंगे, फ्रिज में नहीं रखेंगे। ये देखें हमारी गचक जम गई है, अब मैं आपको इसे तोड़ के दिखाती हूँ। ये आप इसकी आवाज़ सुन सकते हैं, ये कितनी क्रंची बनी है। ये देखिए अब हमारी गचक तैयार हो चुकी है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।